इसमें कोई शक नहीं, जितना हम घूमना चाहते थे आपके इलाके में हम नहीं घूम पाए। भाई अगर 70 साल में बिहार हिंदुस्तान में काम नहीं होता तो आज भी हम पसनी ही चला रहे। 15 लाख घर को देंगे, ये हाजी साहब थे हमारे नेता, तो बोले मेरे घर में तो 11 लोग है तो 165 लाख तो ऐसी हो गया। तो हम भी हिसाब लगाने लगे, भाई मीम और जोरू और टीजो बेटा और मुर्मा 75 लाख तो मोरो होंगे ना भाई। अभी तक इंतजार है तो जो भीख मांगता है उसको भी टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि वहां अगर माचिस का खींचे तो सरकार वहां पर टैक्स खींचे। आज तक जितना मेरा विरोधी रहा हो कभी ना कभी मुझे मदद किया, और हमको जो भी वोट मिलेगा वो मोहब्बत से हम देंगे, हम नफरत बांट के वोट नहीं देंगे। हम नहीं चाहते कि हमारा किशनगंज भी वो रहा वो इलाका बन जाए जहां पे किडनैपिंग हो रहा हो, जहां पे रोक के वसूली हो रहा हो, जहां के डॉक्टर को धमकी देके वसूली हो रहा हो, आपस में लड़ाई करा के केसबाजी करा के शोषण हो रहा हो, वो समाज हमको नहीं बना। आप लोगों से जानकारी ली घूम के पता चला कि हाथे पीड़ा जरूरत है, आधा छोटे जरूरत है, तब वो हुआ मांग किया। और आपको एक चीज और बता दूं कि इस मंत्रालय के मंत्री बिहार के हैं, जब उनको सूची आई वो बोले कि भाई जावेद साहब को 145 पुल मिला और हम उसके मिनिस्टर हैं, हमको सिर्फ 4, ये कैसे हुआ? अब आप ताजुब कीजिए। तो हमने दिल्ली दिल में कहा कि भाई आप अपना मांगिएगा नहीं तो विवाह कहां से देगा, आपको जानकारी होना होगा ना कि कहां पुल की जरूरत है, आपको नाम तो देना होगा नदी का नाला का और जगह का, तब ना पुल बनेगा, तब ना इंजीनियर जाएगा, तब ना रिपोर्ट बनाएगा। अभी हाल में एक बहुत बड़ा पुल बन रहा है भेरभेरी में शिलान्यास, हम मजबूरी में किए क्योंकि एक चिट्ठी आया विभाग से कि जितना अभी पास हुआ है जल्दी शिलान्यास चाहे सामूहिक करिए, जिस तरह प्रधानमंत्री करते हैं। क्यों? क्योंकि 3 महीने इलेक्शन चलेगा, हो सकता है रुक जाए। हम भी भागे भागे हर जगह गए कि भाई रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि बरसात हो जाए बरसात से पहले काम आधा आधी निकल जाएगा, बरसात के बाद पूरा हो जाएगा, नहीं तो बरसात के बाद शुरू होगा तो 2 साल चल जाएगा और जो एस्टिमेट है वो डबल हो जाएगा। तो हम गए, हमारे साथ MLA भी थे और हम लोग ने वो काम किया। आपको एक ब्यौरा देना चाहता हूं, ये 5 साल में हमारे कलम से और आपके मदद से 157 सड़क बना और 237 पुल बनाया हमने और बन रहा है। रोड की लंबाई 1180 किलोमीटर और इसकी लागत है 933 करोड़ रुपया। जरा सोचिए, रेलवे हम लोग बचपन में सुनते थे गलगलिया अररिया, हो सकता है 1-2 महीने में वो शुरू हो जाए। 111 किलोमीटर का रेलवे गलगलिया से अररिया, इसकी कीमत 2145 करोड़ रुपए। वही नेशनल हाईवे, हमने कहा कि भाई दुनिया भर में आप जो है नेशनल हाईवे और ग्रीन वे और सुपर वे बना रहे हैं, हमारे इलाके में भी ये जरूरत है। और अररिया से लेके NGT तक ठाकुरगंज बहादुरगंज होके सड़क बन रहा है जो कंप्लीशन पे है, इसकी लागत लगभग 3100 करोड़ रुपए। 22 से डीगल बैंक स्टेट हाईवे शुरू करवाया जिसकी लंबाई 67 किलोमीटर और लागत 419 करोड़ रुपया। इसके अलावा पासपोर्ट ऑफिस हमारे हाजी या पढ़ने जो बच्चे आजकल जाते हैं, आजकल नौकरियां भी हमारे लोग जाते हैं विदेशों में, उनको पटना और कलकत्ता जाना पड़ता है, आज घर में बैठे पासपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा किशनगंज ठाकुरगंज बोर्ड में 67 करोड़ रुपया खर्च किया गया। ये मेरा काम है जो मैं आपके सामने रखता हूं। अगर आपको लगता है कि मैंने सही आपकी आवाज उठाई, बाढ़ पे उठाई, शिक्षा पे उठाई, फैक्ट्री नहीं होने के कारण बेरोजगारी पे उठाई, तो आप हमसे सवाल कर सकते।
इसमें कोई शक नहीं, जितना हम घूमना चाहते थे आपके इलाके में हम नहीं घूम पाए, क्योंकि कांग्रेस, क्योंकि आप लोग एक अकेली कॉन्स्टिट्यूएंसी है कि आपने मोदी जी को नकार के राहुल जी को यहां पर जिताया और उसका एहसान मानते हुए हमारी शीर्ष नेतृत्व ने हमको तेलंगाना में, हमको कर्नाटका में और इत्यादि इलेक्शंस में हमको भेजा हुआ है। अब वहां वक्त देंगे तो हमारा यहां का वक्त कटेगा, तो इस वजह से हम जितना घूमना चाहते थे नहीं घूमे। और उन्होंने आज उसे एक महीने में 7 मरतबा में दिल्ली जाकर दिल्ली से आया। अभी सुबह में कटिहार, पटना से दिल्ली से पटना, पटना से कटिहार और अभी यहां पर पहुंचा, वो भी क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जो पार्लियामेंट का टिकट कटता है, एमएलए का टिकट कटता है, उसमें 16 लोग हैं और उसमें आपका भी हिस्सा है। आपके वर्कर को चीफ मिनिस्टर तक का फोन आता है कि डॉक्टर साहब को कहिए कि ये सीट में इसके कैंडिडेट को जिताए। तो इतनी सम्मान आपको पार्टी ने भी, आपने सम्मान दिया, उन्होंने भी सम्मान दिया। तो मेरी गुजारिश है कि ये इलेक्शन कोई मामूली इलेक्शन नहीं। आप सुनते होंगे कि झारखंड का चीफ मिनिस्टर को जेल के अंदर घुसा दिया, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर को जेल में घुसा दिया, हमारे नेता लालू जी को 50 मरतबा जेल घुसाया निकाला, सलमान अजरी साहब क्या बोला उन्होंने, क्या इसके लिए आप जेल कर सकते हैं? और ऐसे कानून के तहत जिसमें कोई उसका जवाब नहीं दे सकता, तो इस तरह का अत्याचार, इस तरह का जो खोखलापन है डेमोक्रेसी में, ये लाना चाहते हैं ये मौजूदा सरकार। ये वो सरकार है जो 70 साल में गिनाता है क्या क्या। अरे भाई, अगर 70 साल में हिंदुस्तान में काम नहीं होता तो आज भी हम पसनी ही चला रहे हो। आज हमारा रॉकेट चंद्रयान मार्स पे और चांद पे नहीं पहुंचा होता। आज बगैर काम किए हुए कहते हैं कि हम ये करें वो करें और अब वक्त मांगते हैं 47 और 25 साल तक की बात करते हैं। भाई सपना देखो और लंबा। 2014 में कहा था उन्होंने 15 लाख घर को देंगे। ये हाजी साहब थे हमारे नेता, बोले मेरे घर में तो 11 लोग हैं तो 165 लाख तो ऐसे ही हो गया। तो हम भी हिसाब लगाने लगे, भाई नीम और जोरू और डीजे बेटा नुमा 75 लाख तो मोरो होंगे ना भाई, अभी तक इंतजार है कुछ काला धन लेके आएंगे। लेकिन अगर काला धन कभी था उससे कई गुना ज्यादा इनके वक्त में हुआ। आपको जान के ताजुब होगा कि हिंदुस्तान का कर्ज इनके आने से पहले 70 सालों में 55 लाख करोड़ था, हर आदमी पे लगभग 40,000 रुपए, और ये बढ़ के इन्होंने 4 गुना कर दिया। 55 लाख के बजाय 205 लाख करोड़। नीला नंबर तो भाई मुखाना तो नहीं अक्षर। और लगभग हर आदमी जो हम लोग यहाँ पे हैं, जो लोग नहीं है, जो अभी अभी पैदा हुआ है, वो 1.5 लाख रुपया कर्ज से पैदा हुआ है और मरते दम पे वो कर्ज देना पड़ेगा। आज आपसे हमसे दूध पे टैक्स लिया जा रहा है, पेंसिल कागज पे पैसा लिया जा रहा है, टैक्स लिया जा रहा है। हम जितने लोग हैं जो भीख मांगते हैं उसको भी टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि वहां अगर माचिस का खींच है तो सरकार वहां पर टैक्स ली। और ये टैक्स का पैसा क्या किया है उन्होंने, अपने पूंजीपति दोस्तों को 15 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। मतलब किशनगंज के लोकसभा में अगर 15 लाख है वोटर तो सभा को 1-1 करोड़ टका मिले, इतना रकम है। लेकिन वहीं पे बिजली का बिल 1,000 टका हुआ, गरीब का लाइट काट दिया, किसान का कर्जा 10,000 हो गया, 15,000 हो गया, बैंक वाला जो है दरवाजा खिड़की तोड़ के ले लिया।
भाई एक तरफ हमारा 10,000-15,000 आप माफ नहीं कर सकते और दूसरी तरफ पूंजीपतियों को आप जो है माफ किए जा रहे हैं। तो इसीलिए ये जो इलेक्शन है मैं लड़ाई नहीं कहूंगा क्योंकि ये खेला है, लेकिन ये लोग लड़ाई के तौर पे देखते हैं। आज समाज में तनाव है, आप देखिएगा कांग्रेस के लोग हैं भाई मोहब्बत से मिलते हैं, वोट देगा नहीं देगा मांगने का सबको, लेकिन जो बाकी पार्टी के लोग हैं इतने तनाव में घूमते हैं जैसे हमने कहीं अपराध कर दिया हो, गुनाह कर दिया हो, या हमारे जो साथी है उन्होंने कोई गुनाह कर दिया हो। तो ये तबाही, ये जो तनाव है इसको कम करना है। हर चीज महंगा हो गया, कोई चीज ऐसा नहीं है जो हमें सुकून देता हो। आज एक पार्टी और दूसरे पार्टी की लड़ाई नहीं है, आज जो फैसला है आपके हाथ में, आपको ये फैसला है करनी है कि ये हिंदुस्तान क्या कोई प्रधानमंत्री चलाएगा या चंद पैसे वाले बिजनेसमैन चलाएगा, ये आपको तय करना। मुझे याद है एक वाक्य में बताना चाहता हूं, मरहूम आजाद साहब 1990 में आप री इलेक्शन लड़े थे, नया नया डॉक्टर आया था, छुट्टी थी तो हम भी आ गए इलेक्शन में, दो तीन दिन बाकी था, वही चिचुआबारी मोड़, अभी मुखिया साहब नहीं मोड़ दिखा मुझे, चिचुआबारी मोड़ पे उनकी गाड़ी सुलेमान साहब की गाड़ी बंद थी। मेरा बाप मोहम्मद हुसैन आजाद, मैं उनका बेटा, मेरा बाप इलेक्शन लड़ रहा और वही के सुलेमान साहब के खिलाफ लड़ रहे और सुलेमान साहब मेरे वालिद के खिलाफ लड़ रहे। हमने उतर के पूछा चाचा क्या हुआ, और कीजिएगा, उन्होंने कहा तेल खत्म हो गया, उन्होंने ही उनका ड्राइवर यजमान था, हमने अपने मोटरसाइकिल से तेल निकाल के आधा एक लीटर उनको दिया ताकि कुटिया दे। ये होता था इलेक्शन, मेरे वालिद हार गए 90 में, लेकिन शायद वो मैंने अच्छा काम किया होगा कि आज तक जितना मेरा विरोधी रहा हो कभी ना कभी मुझे मदद किया। आज से पहले 7 इलेक्शन में लड़ा, 2 इलेक्शन में हार गया, 5 में आपने मुझे जिताया, लेकिन 2 इलेक्शन में जो हारा, जो मुझे हराया, आज भी मुझे फोन करके सलाम करता है। आज भी हम लोग की इलेक्शन में लड़ाई होगी, ना मैं उनके खिलाफ एक लफ्ज बोलता हूं ना वो मेरे, तो भाव तो यही ना होना चाहिए। और हम लोग का फर्ज है कि माहौल यही रखना, हमको राहुल गांधी जी से सीखना चाहिए जो नफरत में मोहब्बत की दुकान फैला रहा है। हमें भी मोहब्बत से वोट लेना है, जो देगा मोहब्बत से देगा, हम मांगेंगे इज्जत से मांगेंगे, अपना काम गिराएंगे, हम जो हालात है मौजूदा वो बताएंगे, और हमको जो भी वोट मिलेगा वो मोहब्बत से हम देंगे, हम नफरत बांट के वोट नहीं लेंगे। हम तनाव समाज को डाल के हम वोट नहीं लेंगे, ना ही हम मांगे। हम लोग राहुल गांधी के सिपाही है, हम लोग जितने यहां पे, ये मेरा आप लोग से निवेदन है, गुजारिश है कि इसको जरूर आप सोचो। अब तो इलेक्शन हो जाएगा, ईद के बाद हम लोग सब लोग मैदान में होंगे, अभी नॉमिनेशन होगा, फिर स्क्रूटनी होगा, फिर विड्रॉल होगा, तब तक ईद आ जाएगा। ऐसे तो आप लोग जो मेन लोग हैं वो लोग जो कर रहे हैं वो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जो तनाव है हमारे यहाँ वो तनाव हमें बर्दाश्त नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारा किशनगंज भी वो इलाका बन जाए जहां पे किडनैपिंग हो रहा हो, जहां पे रोक के वसूली हो रहा हो, जहां के डॉक्टर को धमकी देके वसूली हो रहा हो, आपस में लड़ाई करा के केसबाजी करा के शोषण हो रहा हो, वो समाज हमको नहीं बनाना। हम अपने बच्चों के लिए वो समाज नहीं बना सकते, अगर बना है वो समाज को सुधारना होगा। दोस्तों बुजुर्गों और हल्ला बातचीत,
लेकिन शॉर्ट में आखिर मैं यही कहूंगा कि आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया। अभी हमारे इधार साहब के हमारे एमएलए साहब वो चले गए शायद तो हैं, फिर हुआ साहब भी हैं, सब लोग हैं, तबरेज वगैरह सब हैं, तो उनकी बात हम लोग सुनेंगे। मैं आपसे इजाजत इसलिए भी चाहूंगा कि आलोम और फॉर्म का बड़ा नहीं सकती और आज कम से कम एक दो फॉर्म भरना है मुझे और अध्यक्ष भी आने ही वाले होंगे, तो मुझे इजाजत दीजिए और इलेक्शन में हम घूमेंगे तो आपकी बात रखेंगे। और मैं वादा करता हूँ कि अगर फिर से आपने मौका दिया, जितने काम है हमने लगभग सब मांग की फिर दोहराएंगे, और जो शिकायत है आपकी डॉक्टर साहब को और ढूंढना होगा। अब मैं एक गाड़ी की नहीं तीन चार पांच का गाड़ी ले जाऊं ताकि तुम्हारा पता चले और फिर जहाँ जहाँ बुलाएंगे जहाँ जहाँ जा पाएंगे हम जरूर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। खुदा हाफिज़।